Hello everyone, welcome back again to AB5. Today in this video we are going to discuss about allied medicine दोस्तों. जी हाँ, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कोर्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि allied medicine होता क्या है. हमारे इंडिया में सिर्फ मेडिसिन का नाम सुनते ही उनको एक ही मतलब निकालते हैं कि या तो डॉक्टर बनो, या तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स बनो, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो. कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको allied मेडिसिन क्या होता है वो भी पता नहीं होता है दोस्तों. इसके कोर्सेज भी है या नहीं, और इसका स्कोप क्या है हमारे इंडिया में, और इसका स्टेटस क्या है वो भी पता नहीं होता है. तो इसीलिए मैंने और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले इसमें करियर स्कोप क्या होता है और हमारे इंडिया में इसका स्टेटस क्या है. तो बेसिक से शुरुआत करते हैं. वॉट इज़ अलाइड मेडिसिन? सो अलाइड मेडिसिन इज नथिंग बट इट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ डिसिप्लिन दोस्तों. ये आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही हैं, ऐसा नहीं कि कोई आसमान से टपका है. ये भी डॉक्टरी फील्ड से जो हम बोलते हैं ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनसे ही लिंकेज है. बट दे आर नॉट फिजिशियंस, उनके पास फिजिशियन की डिग्री नहीं होती है. इनकी अपने अपने अलग अलग कोर्सेज होते हैं दोस्तों, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ सेक्टर में ये लोग काम करते हैं. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर भी चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, और ये लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो भी ठीक हो जाए. दोनों का मकसद यही होता है, बट दोनों के अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग कोर्सेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए नर्सिंग के बारे में. ओके, सो नर्सिंग हो गया, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड केयर फॉर यू. अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जितने भी इंजेक्शंस वगैरह हो, राइट, जितने भी टेस्ट करवाने हो, ब्लड टेस्ट करवाने हो, तो नर्सिंग नर्सेस बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो वो अलग बात है, बट नर्सिंग तो कॉमन होती है. तो वो करने के लिए उनको सेपरेट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उनको सेपरेट ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों. और दूसरा एग्जांपल अगर आप मुझे पूछेंगे तो ऑप्टीमेट्री हो गया. ऑप्टीमेट्री मतलब आँखों के रिलेटेड है ये, ऑप्टिक्स जिसे हम कहते हैं, जो प्राइमरी विजन केयर को देखता है. अगर आपने बड़े बड़े सिटीज़ में अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर की ही बात बताता हूँ, यहाँ पे जो है आँखों के डॉक्टर उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना ये ऑप्टीमेट्री शॉप ज़्यादा है. अगर आप आइनक यू नो ग्लासेस लेने जाएंगे, इनफैक्ट मेरे भी खुद के ग्लासेस हैं, जब मैं लेने जाता हूँ तो उन्हीं के शॉप में सेपरेट एक ऑप्टीमेट्री सेक्शन होता है दोस्तों, जहाँ पे एक इस तरह का एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बैठा होता है. ऐसा नहीं कि वो कुछ फर्जी डिग्री लेके बैठा है, बट ही इज़ ऑल्सो यू नो वेल ट्रेन्ड पर्सन होते हैं वो लोग, उनको भी सर्टिफिकेट इशू की जाती है. तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी साइट टेस्टिंग करते हैं, या फिर कुछ डायग्नोस करना है, कुछ ड्रॉप्स वगैरह लिख के देना है आपको, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, साइट जो है आपका बड़ा है घटा है, वो यू नो बिल दिया जाता है आपको प्रॉपरली, उसके हिसाब से वो लोग ग्लासेस को बनाते हैं. तो ये भी एक ऑप्टीमेट्री हो गया. नेक्स्ट मेन जो कॉमन हर शहर में हर गांव में आपको देखने को मिलता है, फार्मेसी. ओके, सो फार्मेसी भी जो है एक तरह के जो फार्मासिस्ट होते हैं वो भी एक प्रोफेशनल्स हैं. ओके, उनको भी सेपरेट ट्रेनिंग होती है, उनके भी सेपरेट कोर्सेज होते हैं. हाँ वो अलग बात है, जो जरी नॉलेज होने वाले को भी जो है मेडिकल शॉप आजकल खोल ले रहे हैं, बट उनसे थोड़ा बच के रहिएगा आप. बट बड़े बड़े सिटीज़ में, इवन अर्बन सिटीज़ या फिर टाउन्स में जो होते हैं, वहाँ पे प्रॉपरली जो फार्मासिस्ट है उनको कोर्स करके ही मेडिकल शॉप्स को खोला जाता है. एंड दे विल ऑल्सो नो कि दवाएं के बेचने के अलावा भी इस दवा में क्या क्या है, और ये दवा किस काम के लिए यूज़ की जाती है, उन सारे चीज़ें उनको पता होती है. उसके बाद हो गया फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वेरियस ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मसाज हो गया, हीट थेरेपी, एक्सरसाइजेस हो गया. कई सारे शहरों में जो है इनके सेपरेट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको फिजियोथेरेपी दी जाती है दोस्तों, आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, स्पेशली फॉर मसल्स. अगर आप मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका हो गया ऑडियोलॉजिस्ट जो कि हियरिंग से रिलेटेड यू नो डील करते हैं सारा कुछ. रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी हो गया, कई सारे डिफरेंट कोर्सेस है. अगर मैं इसी तरह बताता रहूँगा तो सारा वीडियो इसी पर बन जाएगा. कि मुझे तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको बेसिक आइडिया देना है कि अलाइड मेडिसिन होता क्या है. तो आप मुझे आप पूछेंगे कि सर इसका स्कोप क्या है, हमने तो सुना सिर्फ डॉक्टर के बारे में. देखिए अलाइड मेडिसिन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों मेडिकल ग्रुप का. ओके, ये भी जो है इनके पास भी सेपरेट कोर्सेस होते हैं. दे विल ऑल्सो वर्क फॉर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करना इनका भी मकसद होता है दोस्तों. और आपको पता है ये सारे स्टाफ जो स्किल्ड स्टाफ होती है, इनके पास स्किल्ड वर्क होता है सारा कुछ. जैसे कि यू नो ब्लड कैसा निकालते हैं बॉडी में से, ब्लड टेस्ट कैसा किया जाता है, पूरे डिटेल में लोग जाने हुए रहते हैं दोस्तों. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है डॉक्टर्स के पास थोड़ी नॉलेज कम होती है, बट इनके पास जो है जो डेली केसेस ये लोग डायग्नोस करते हैं ना, इनके पास ज़्यादा नॉलेज आ जाती है. और बेनिफिट्स, ऑब्वियसली बेनिफिट्स तो हर सेक्टर में है. अगर आप मुझे पूछेंगे तो बेनिफिट्स नथिंग बट पहला जो है हाई जॉब सेटिस्फैक्शन. ओके, अगर आप किसी की जान बचा पा रहे हैं तो उससे बड़ी चीज़ क्या है इस दुनिया में.
उसकी दुआ लगेगी आपको, उसके फैमिली मेंबर्स आपको दुआ देंगे। तो सबसे बड़ा हाई जॉब सेटिस्फैक्शन अगर किसी सेक्टर में मिलता है आपको तो वो मेडिसिन ही है, चाहे वो अलाइड हो, चाहे वो नॉर्मल जो मेडिसिन हम करते हैं डॉक्टर के रिलेटेड वो हो, या फिर आयुर्वेदिक हो, पैरामेडिकल हो, कुछ भी हो दोस्तों। ओके, हाईएस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आप रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो यही बता रहे हैं पूरी दुनिया में कि डॉक्टर के फील्ड में ही होता है अगर आप वो दिल से करेंगे, राइट। तो जॉब सिक्योरिटी तो होती है दोस्तों, बेसिकली जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको हेल्थ केयर सेक्टर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, जॉब सिक्योरिटी है और वेरी फ्लेक्सिबल, ये एक खास बात है और एक यू नो एक यूनिक बेनिफिट इसका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इस अलाइड सेक्टर में कि आपके वर्क जो है वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। आप एक तरफ अलाइड मेडिकल साइंसेज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके फ्री टाइम में जो है आप दूसरे ग्रेजुएशंस हो गए या भी उसी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं उसमें। ओके, सो वेरी फ्लेक्सिबल वर्क है, ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर ड्यूटी टाइमिंग्स होगी इसमें, जब काम आया आपको करना पड़ेगा, ब्लड टेस्टिंग्स वगैरह हो या फिर कोई भी आप जो फील्ड में कोर्सेस करके आए हैं उसके रिलेटेड अगर काम है तो करते हैं, तो आपके करियर डेवलपमेंट में भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कोर्सेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि अलाइड हेल्थ साइंसेज से कई सारे कोर्सेस होते हैं दोस्तों, जैसे कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ओके, बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री हो गया, मैंने अभी आपको बताया ऑप्टीमेट्री क्या होता है, बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हो गए, ये फिजियोथेरेपी से रिलेट करते हैं, और रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी मशीन्स यू नो यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में उसको भी चलाने के लिए उन्हें प्रोफेशनल्स ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को ट्रेन करके बैठा देंगे सिर्फ वो रीडिंग्स यू नो याद कर लेगा और हर कोई पेशेंट को वो सेम रीडिंग देता जाएगा, नहीं, ये सारा कुछ है अलाइड मेडिसिन के स्टाफ लोग ही करते हैं, क्लियर। अगर टॉप ग्रोइंग करियर्स की बात करें यू नो कई ये जो कोरोना वायरस आने के बाद अलाइड मेडिसिन में जो है बहुत डिमांड बढ़ चुका है, डिमांड आ चुका है क्योंकि कई सारे लोग जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रीफर करने लगे हैं और ये लोग भी जो है इनकी अपनी नॉलेज बढ़ चुकी है कि पेशेंट्स किस तरह से, ये लोग 24/7 हॉस्पिटल्स में रहते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं पेशेंट्स को कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। और टॉप 10 ग्रोइंग करियर्स अगर इंडिया में देखेंगे आप तो पहला जो है फिजिशियन असिस्टेंट होना, किसी फिजिशियन का असिस्टेंट होना या फिर मेडिकल असिस्टेंट होना आपको, ओके, या फिर फार्मासिस्ट होना दोस्तों, देखिए फार्मासिस्ट भी है नंबर 3 पे आ रहा है फार्मासिस्ट। और सबसे बेहतरीन जो बेनिफिट जो टॉप ग्रोइंग करियर है वो लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है। आपने देखा होगा अभी तो इतने सर्विसेज निकल चुके हैं कि अगर आप ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो घर पे आके आपका खून लेके जाएंगे और सारी रिपोर्ट्स इतने परफेक्शन के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा, राइट। तो वही आपको सारा कुछ समझा के भी जाते हैं, तो लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट भी बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर्स है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बता देगा। एक तो मेरा मकसद इस वीडियो में था कि बेसिकली हम चाहते थे कि आपको पता लगे कि अलाइड मेडिसिन होता क्या है बेसिकली, ओके। बहुत लोग कम लोगों को पता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तो थोड़े बेसिक्स के बारे में हमने आइडिया ले लिया है कि अलाइड मेडिसिन होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, कोर्सेस क्या है और प्रेजेंट कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो आगे चलकर आप इंटरेस्टेड है इस फील्ड में तो डेफिनेटली अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं तो उसी फील्ड से आप जाइएगा ताकि आपको इसमें आसानियां पैदा हो और आगे चलकर इसी में कोर्सेस लेकर आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। तो आगे चलकर मैं इसमें जो भी सब सेक्टर्स हैं एक एक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और भी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। इस वीडियो का मकसद था सिर्फ बेसिक्स बताना। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर।